तो हेलो दोस्तों, मैं दर्शन आचार्य एग्रीविजन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। हमारा जो डिजीज़ का सिलसिला था वो वायरल डिजीज़ तक आ गया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो एनिमल की वायरल डिजीज़ है रिंडरपेस्ट के बारे में, फूट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में और लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। और उससे पहले हमने अपनी जो चार मेजर बैक्टीरियल डिजीज़ को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने एंथ्रेक्स के बारे में, हेमरफोजिक सेप्टिसीमिया, मैस्टाइटिस और ब्लैक वाटर के बारे में सीखा था। तो ये हमारा सेवंथ लेक्चर है जिसमें आज हम रिंडरपेस्ट के बारे रानीखेत के बारे में बात करेंगे। रानीखेत पोल्ट्री की मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ है जैसा कि हम सभी जानते हैं। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इसको रानीखेत क्यों बोला जाता है। रानीखेत इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया में उत्तराखंड स्टेट में नैनीताल से कुछ दूरी पर रानीखेत नाम की एक प्लेस है, सिटी कह सकता हूँ। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पर उसको 1920 में 1920 में रिपोर्ट किया गया था, इसलिए इसे रानीखेत के नाम से जाना जाता है। और पूरे विश्व भर में 236 प्रकार की एवियन स्पीशीज पाई जाती है। और उसमें जो डिजीज कोस करता है वो सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस जो है वो यही वायरस है। तो ये विश्व भर में भी नुकसान करता है और इसे न्यूकैसल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका कॉमन नेम है न्यूकैसल डिसीज। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंग्लैंड में न्यूकैसल एक सिटी है, वहाँ इसे 1926 में 1926 में रिपोर्ट किया गया था। तो ये रीज़न है इसके दोनों नामों के पीछे कि जिस प्लेस पर इसको रिपोर्ट किया गया उस आधार पर इसके नाम रखे गए हैं। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। रानीखेत डिसीज के बारे में बात करते हैं। जो कॉजल ऑर्गेनिज्म यहाँ इन्वॉल्व होता है वो पैरामाइजो वायरस है। ये पैरामाइजो वायरस ये वही वायरस है जो रिंडरपेस्ट कोस कर रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज में यही वायरस का एक भागीदारी है। जैसे अगर मैं रिंडरपेस्ट की बात करूंगा तो वायरल डिसीज है जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एनिमल में, तो वहां पर भी पैरामाइजो वायरस इन्वॉल्व होता है। और ये जो पोल्ट्री की जो सबसे खतरनाक और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज है वहां पर भी पैरामाइजो वायरस इन्वॉल्व होता है। इन्फेक्टेड चिकन से फैलती है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी वायरस स्प्रेड आउट जल्दी कैसे होता है, इन्फेक्टेड थिंग्स है। जैसे मैं कोरोना की बात करता हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल हमारे लिए वही है। तो वहाँ पर भी जो इन्फेक्टेड, जो पहले से ग्रसित ह्यूमन है उसके द्वारा ये जल्दी फैलती है, वो जल्दी फैलाते हैं। तो वहाँ जो एक्शंस और प्रिकॉशंस हम लेते हैं, वहाँ जो प्रिवेंशंस किए गए थे, क्योर किया गया था, वो सेम एक्शंस यहाँ पर भी करते हैं। जैसे इन्फेक्टेड चिकन की कलिंग कर देंगे, उसको झुंड से बाहर कर देंगे। तो किसी भी एनिमल को या बर्ड्स की बात करता हूँ, जहाँ पर भी एनिमल हस्बेंड्री में किसी एक को झुंड से बाहर कर देना उसको कलिंग बोला जाता है। और तो यहाँ कलिंग कर देंगे, उसकी क्वारंटाइन करके रखेंगे उसको, ये सब चीज़ें यहाँ पर भी की जाती है। और कंटामिनेटेड यूटेंसिल से या वाटर है या फूड है वहाँ से भी ये डिसीज़ फैलती है जल्दी। नॉर्मल सी बात है, वायरस इस तरीके से फैलता है। इसमें जो डेथ रेट होती है वो 100% होती है, यानी कि 100% मृत्यु तो भैया निश्चित है। मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ है ये। इसके सिम्टम्स आगे बात करेंगे हम लोग। सिम्टम्स से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो डिसीज़ है ना, ये डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, यानी आपके जो श्वसन तंत्र है वो डायरेक्ट इससे प्रभावित होता है। तो आपको सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा एक इजी वे में आप समझ पाओगे उसको। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से इन्वॉल्वमेंट है इसका क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, प्रश्न कुछ ऐसा था कि द डिसीज विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्ट्रेस टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वहाँ आंसर था आपका रानीखेत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, BHU एंट्रेंस एग्जाम में ये प्रश्न मैंने देखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं, आपको ये पता है कि भैया ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से इसका डायरेक्ट संबंध है, तो इसके सिम्टम्स देखेंगे अपन। यंग बर्ड्स में इनिशियली क्या होता है, यंग बर्ड्स में स्नीजिंग होती है, यानी छींकें आती है, ठीक है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, छींकें आती है। और गैस्पिंग क्या होता है, गैस्पिंग सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है, सांस लेने में उसको दिक्कत आएगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी उसको। तो ये यंग बर्ड्स में इनिशियली दो सिम्टम्स रिपोर्ट किए गए हैं। फिर अडल्ट में क्या होता है और ओवरऑल सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उसे भूख नहीं लगेगी, अंदर अगर फीड नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी तो उसका वेट लॉस होने लगेगा धीरे धीरे, तो वेट लॉस भी होता है इसमें, ठीक है। और एनर्जी नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, तो इस वजह से ड्रूपिंग विंग्स, यानी अगर नॉर्मल सी बात है, अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो धीरे धीरे आपके शरीर में
जो एनर्जी है वो डाउन होने लगती है, डाउन होने लगती है, अंदर के पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं, लॉस होता है, वेट लॉस होता है, वेट लॉस होने के साथ इसके जो पंख है वो भी झड़ जाएंगे। ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ नेक की बात करते हैं, इसकी जो गर्दन है वो मुड़ जाएगी और एक तरीके से गर्दन झुका के ये बैठने लगेगी। इसके बाद पैरालिसिस ऑफ विंग्स एंड लेग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट याद रखना, एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है कि कौन सी ऐसी बर्ड की डिसीज है जिसमें पैरालिसिस देखने को मिलता है, तो इसके जो लेग्स है और जो विंग्स है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, पैरालिसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद डायरिया के सिम्टम्स, ये भी एग्जाम में की पॉइंट आपको सेकेंडरी सिम्टम्स में देखने को मिलेगा, वाटर स्टूल हो जाता है, यानी कि बिल्कुल हरा सा गीला गीला इसमें दस्त निकलता है, इसे दस्त होता है, तो डायरिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वहीं आपका साइनोसिस ऑफ कॉम्ब, साइनोसिस वर्ड क्या होता है, साइनोसिस का मतलब होता है डिस्क्लेरेशन हो जाना, ठीक है ना। कॉम्ब, इसका जो ऊपर कलगी जो होती है कॉम्ब, ये अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग कलर होते हैं, ब्रीड के बेस पे ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती है, जैसे पी लाइक कॉम्ब होता है, रोज लाइक कॉम्ब होता है आपका, फिर एक स्ट्रॉबेरी लाइक कॉम्ब होता है, वी शेप्ड कॉम्ब होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं कॉम्ब के, ब्रीड के बेस पे अलग अलग होते हैं, जैसे पी जो शेप होता है ये कैसी आपका एशियाटिक ब्रीड है ब्रह्मा, उसका पी लाइक कॉम्ब होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्ब होते हैं, तो साइनोसिस ऑफ कॉम्ब, उसका डिस्क्लेरेशन हो जाएगा और एग प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, जब फीड कंज्यूम नहीं करेगी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी तो एग प्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि एग प्रोडक्शन करने के लिए भी एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी नहीं रहेगी, और एग प्रोडक्शन होगा, एग आएंगे तो भी शेललेस एग आएंगे, यानी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कि जो शेल होती है वो ही नहीं होगी, तो शेललेस एग का प्रोडक्शन होने लगेगा, क्योंकि अंदर मिनरल ही नहीं है ना बॉडी में, तो एग प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, सडन डेथ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा घातक डिसीज है, सडन डेथ होना खत्म है, मतलब आप समझ लो कि डेथ रेट तो 100% है, मृत्यु 100% है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट्स की, तो ट्रीटमेंट्स में क्या आता है आपको, देखो नॉर्मल सी बात है, वायरल डिसीज में प्रिवेंशन तो किया जाता है, क्योर किया जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें वैक्सीनेशन है इसका, लासोटा वैक्सीन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लासोटा F1 वैक्सीन, क्यों, क्योंकि आप ये समझ लीजिए इससे पोल्ट्री फार्म इतना ज़्यादा अफेक्ट होता है, बड़े बड़े जो फार्म्स हैं हमारे पोल्ट्री की, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स की डिसीज़ है, तो उनका बिजनेस काफ़ी अफेक्ट होता है, और इसी के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है, वो प्रॉपर इसका जो शेड्यूलिंग होता है वैक्सीनेशन का वो फॉलो करते हैं। तो लासोटा F1 वैक्सीन दिया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि रानीखेत के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो लासोटा वैक्सीन दिया जाता है, और लासोटा वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है, तो स्पेशली रानीखेत के लिए जाता है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के उन्होंने पूछे हैं। और किसने डेवलप्ड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये वैक्सीन डेवलप किया था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी लंपी स्किन डिसीज जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था लंपी प्रो वेक, तो IVRI और नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, कोलाब्रेशन से लंपी प्रोवेक बनाया गया था, और मैंने आपको उस समय बताया था कि जहाँ भी जितने भी वैक्सीन आएंगे तो इनकी भागीदारी सर्वप्रथम होती है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो ये डेवलप करते हैं, तो लासोटा F1 वैक्सीन इन्होंने ही डेवलप किया था IVR, आप ध्यान रखना। एफ ओ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, पहले तो क्वेश्चन ये पूछा था कि रानीखेत के लिए कौन सा वैक्सीन होता है, लासोटा वैक्सीन, और नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि लासोटा वैक्सीन किसने डेवलप किया था, तो IVRI ने, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब क्या होता है, इस वैक्सीनेशन की कुछ शेड्यूलिंग होती है प्रॉपर, ठीक है। अब आपको ये जो शेड्यूलिंग है ये याद रखना है, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करते हो तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि वो एग्जामिनर यहाँ तक जाएगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जैसे वेटनरी ऑफिसर्स की एग्ज़ाम होती है कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली, तो वहाँ ये पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। और खैर MPPAT वो उनका तो काम ही है, वो अलग ही कुछ भी पूछ लेने लग जाते हैं, तो बहुत डीप में जाते हैं एग्रीकल्चर की, बहुत डीप में जाते हैं वो लोग, तो वहाँ ये क्वेश्चन देखने को मिला है BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वहाँ ये क्वेश्चन आप कह सकते आ सकता है। तो वैक्सीनेशन शेड्यूलिंग की बात करते हैं, तो इसमें वैक्सीनेशन शेड्यूलिंग कैसे होती है, जो पहला वैक्सीनेशन है इसमें F1 वैक्सीन या F/B वैक्सीन दिया जाता है, जन्म के 1 से 5 दिन में ही दे दिया जाता है, यानी फर्स्ट वीक में दिया जाता है उसके बर्थ के बाद। फिर एक लासोटा वैक्सीन दिया जाता है, ये सब स्ट्रेन है F1, लासोटा, R2B, ये सब स्ट्रेन है, वायरस की स्ट्रेन है ये,
तो यहाँ पर आपका पहला वैक्सीन फर्स्ट वीक में दिया जाता है 1 से 5 दिन में, फिर आपका सेकेंड वैक्सीन इसमें 30 से 35वें दिन दिया जाता है, यानी 5th वीक में दिया जाता है, फिर लासरोटो का एक वैक्सीन 52 डे में देते हैं जन्म के बाद में, और एक देते हैं R2B इसको रानीखेत 2 वैक्सीन जो बूस्टर डोज है इसका 65 डे में देते हैं, इसको 2 महीने के बाद का वैक्सीन है ये। इसके बाद लासोटा का 112वें दिन दिया जाता है और एक लासोटा 280वें दिन दिया जाता है। तो ये याद रखना 8 से 10 मंथ वीक के अंदर आपके 2 वैक्सीन लासोटा का एक और एक R2B वैक्सीन दे देंगे, और वहीं 18वां से 19वें वीक में 18 to 19 वीक में लासोटा के 2 वैक्सीन 112वें दिन में और ये 280वें दिन में ये वैक्सीनेशन देते हैं। तो वीक याद रखना ताकि आपको डेज याद रहेंगे। फर्स्ट वैक्सीन 5वें दिन दिया जाता है, फिर एक 27वें दिन देते हैं 27 डे में, अगर स्पेशली अगर मैं एग्जैक्ट डेट बोलूँगा तो 27वीं में सेकेंड वैक्सीन देते हैं, फिर थर्ड वैक्सीन देते हैं 52 डेज में, और फिर फोर्थ वैक्सीन 65 डेज में देते हैं, फिर उसके बाद ये 112वें दिन देते हैं, फिर 280वें दिन देते हैं। तो ये याद रखना जो पहला वैक्सीनेशन है वो एक नेजल फॉर्म में देते हैं, नेजल ड्रॉप, नाक में ड्रॉप डालते हैं, ड्रॉप आती शीशी आती है, नेजल फॉर्म में देते हैं और ड्रिंकिंग वाटर के साथ देते हैं, बहुत ही चिल्टेड वाटर होता है लेकिन ज़्यादातर नेजल फॉर्म में ही दिया जाता है उसके नाक में। फिर इसके बाद ये नेजल फॉर्म में ओरल फॉर्म में दिया जाता है, और ये जो R2B वैक्सीन है ये IM ये जो जितने हैं ना 112, 180 पे, तो ये जो लासोटा की ये वैक्सीन है R2B, तो ये IM फॉर्म में इंट्रा मस्कुलर फॉर्म में दिया जाता है, उनकी टांगों में उनके पैरों पे इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखना, ये तो किताबी ज्ञान हो गया, लेकिन रियलिटी में क्या है, आज भी बॉटम लेवल पे इसकी अवेयरनेस नहीं है। आज भी फार्मर्स जो मुर्गियों को रियर कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन करवाते ही नहीं है। आप ये समझ लो इसके पीछे का एकमात्र कारण है एक असाक्षरता, प्रशिक्षण प्रॉपर नहीं हो रहा है उनका, ठीक है ना। तो वास्तविकता में अभी तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है, उस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, लेकिन आज भी जब कोई फार्मर मुर्गियों को रियर करता है तो उसका प्रॉपर क्वारंटाइन नहीं करता, क्योंकि ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरल डिसीज़ है, पहले इसमें क्वारंटाइन करना पड़ता है उसे, तो वो भी नहीं करते हैं, इससे ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होती है। और पिछले साल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, नहीं 2 साल पहले लगभग की बात है, मेघालय के एक स्टेट में, मेघालय स्टेट में एक गांव है, वहां पर लगभग 80 से 100 मुर्गियां जितनी भी थी फार्मर्स की सभी मर गई थी 100% ड्यू टू दिस वायरस। तो उनको 30 से 50 हज़ार तक का नुकसान हुआ था। तो आप समझ लो वो छोटे से फार्मर है, सीमान एकदम लघु फार्मर है, वो छोटे फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, आज उनको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है इस विषय, इस चीज़ को लेकर, इस डिसीज के को लेकर, तो काफ़ी एक बड़ा विषय है ये। तो आज बड़े बड़े जो पोल्ट्री फार्म्स है वो प्रॉपर शेड्यूलिंग साइंटिफिक तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वो, और इसकी शेड्यूलिंग को प्रॉपर फॉलो करते हैं, लेकिन आज भी बॉटम लेवल पे जो फार्मर्स है उस उनमें अवेयरनेस ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है। खैर वैक्सीनेशन काफ़ी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो आपको एक थोड़ी सी बॉटम लेवल की जानकारी दूंगा ना, तो F1 जो वैक्सीनेशन है, जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है, ये गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में फ्री में ही लग जाता है, ठीक है ना। और फिर आपके जो लासोटा जो सेकेंड डोज है इनके, लासोटा के दो डोज है वो आपको मार्केट जाके लगाने पड़ते हैं प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद जो R2B वैक्सीनेशन है, ये भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसका चला रही है, तो वहाँ लग जाता है। तो अगर मैं बात करूँगा आपका जो F1 वैक्सीनेशन, जो फर्स्ट जो नोजल ड्रॉप दे रहे हैं ये गवर्नमेंट प्रोग्राम में, और वहाँ पे R2B जो वैक्सीनेशन है इसका, रानीखेत 2 डोज, तो ये दोनों जो है ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम में फ्री में लग जाते हैं काफ़ी, इसको लेकर गवर्नमेंट जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है उसमें। और एक फाउल पॉक्स जो डिसीज़ होती है, वायरल डिसीज़, उसके लिए भी एक फाउल पॉक्स वैक्सीनेशन लगता है, ठीक है, तो वो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम में लग जाता है, ठीक है। तो ये जो 3 स्पेसिफिक वैक्सीन को लेकर सरकार द्वारा काफ़ी सहयोग किया जा रहा है, और बाकी तो ये लासोटा जो है ये प्राइवेट फर्म्स लगाती है। 30 से 40 रुपए का वैक्सीन आता है ये, 100 से 150 बर्ड्स के लिए, डिफरेंट बेच के आधार पे होता है ये। अगर आपको बड़े कोई पोल्ट्री फॉर्म है आपका, 2,500 मुर्गी 3,000 मुर्गी है, तो वो उसके लिए डोज हाई डोज आता है, तो मतलब कि वहाँ आपको 300 से 400 रुपए तक का एक प्राइस उसकी है, और ये कुछ इसकी प्राइसिंग वगैरह इस तरीके से कुछ होती है। तो सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि अवेयरनेस एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे नहीं है, आज भी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है,
तो एक बड़ा आउटब्रेक इसके कारण देखने को मिलता है। तो आपके नॉलेज के लिए खैर ये है, और बाकी इंपॉर्टेंट आप इसमें ध्यान रखना सभी, मतलब आप मैं बात करूंगा हर एक पॉइंट टू द पॉइंट यहाँ पे जो जो लिखा गया है सभी एग्जाम